वाले मार्केट ये बाहर निकल के इनकी आवाज निकल। हाँ मैं इसे पहले पूछ के स्टार्ट कर रही ब्लॉगिंग। हाँ कहाँ जा रहे हैं हम? नहीं पता है थोड़ी देर में, क्योंकि इसको बाहर निकलने का मौका चाहिए होता है, इसको बाहर जाके खुश हो जाती मेरी तरह। बस अभी पहुंचने वाले हैं 5 मिनट में। पास की मार्केट है, जैसे कि थोड़ा बहुत सामान रह रहे हैं, जो पूजा का सामान आता है, कैलेंडर वगैरह आते हैं। तो मैं सोचा कल भीड़ रहेगी, फिर कल मेहंदी वेहंदी भी लगवाने जाना है, सो आज ही कर लेते जो कुछ करना। और ये भी ऑफिस से आए हैं, बस चाय पी के निकल लिए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। फिर ये मैं अकेली जा नहीं सकती मार्केट, इसको लेके कहाँ जाऊंगी। सो लेट्स गो। फेस्टिवल की वजह से मार्केट में इतनी भीड़ है, क्योंकि पार्किंग में भी जगह नहीं मिल रही है। ऐसी देखो ट्रैफिक लगा हुआ है और हर जगह पार्किंग पार्किंग हो रखी है। मैं दिखाती हूँ, अभी हम कार पार्किंग में लगा के मिलते हैं आपसे। ठीक है, पहले पार्किंग मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि त्योहार है और सब शॉपिंग के लिए निकले हुए। हाँ आराम से। यहाँ पे हमें घर के लिए कर्टन्स भी लेने थे, तो सोचा मार्केट आए तो देख लेते हैं, लेकिन हमें कोई पसंद ही नहीं आए, क्योंकि जैसे हमें चाहिए थे हमें वैसे नहीं मिले हैं। सो हमने यहाँ पे एक्सप्लोर किया, लेकिन मुझे तो फिर भी नहीं अच्छे लगे। नकुल को तो एक दो अच्छे लग रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लगे, क्योंकि जैसे मुझे चाहिए थे वैसे नहीं थे यहाँ पे। फिर अब देखो दिवाली से पहले लाने तो हैं कर्टन्स, अब यहाँ तो पसंद आए नहीं। मैं सोची फिर जहाँ से दी ने लिए है ना, उन्होंने भी अपने घर के लिए कर्टन्स लिए, तो सोच रहा तो मैं भी सैटरडे संडे में नकुल का ऑफ होता है तो वहीं जाएंगे और फिर वहीं से ही लेके आएंगे। इधर उधर ज़्यादा पता है नहीं शॉप्स यहाँ पे हमें, तो वहीं पे जाएंगे वहीं से पसंद करके लेंगे, क्योंकि दी के भी मुझे अच्छे लगे, मुझे वैसे ही कुछ चाहिए। तो यहाँ अच्छे थे बट वैसे नहीं थे, यहाँ नेट वाले मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। मैं आगे दिखाती हूँ, और इतने अच्छे अच्छे थे ना नेट से, वो मन कर रहा था लेने के लिए कि नेट के चाहिए नहीं थे हमें, क्योंकि ऑलरेडी है। ये वाले पर्दे ऑसम थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन हमारे लिए बहुत हल्के थे, हमें ये नहीं चाहिए थे। तो मैं अपने सामान लेने आई थी यहाँ पे। गाइस नेट इतने अच्छे मिलते ना, एक डिज़ाइन के मतलब लेटेस्ट डिज़ाइन होते इनके पास नेट, और काफ़ी रीजनेबल प्राइस में थे, बट मुझे भी चाहिए नहीं था, लेकिन मैं हमेशा यहीं से ही लेके जाती हूँ जब मुझे चाहिए होता है। तो यहाँ पे इजीली हमें हर चीज़ मिल जाती है, कोई भी कलर हो कैसी भी हो, लहंगे के लिए गाउन के लिए अच्छा है यहाँ पे। जहाँ पर मैं सामान पूछी थी लेना तो था, लेकिन बहुत भीड़ हो रही थी, तो मैं वहाँ देखती थी जहाँ भी ज़्यादा भीड़ ना हो। और गज मेहंदी लगनी स्टार्ट हो चुकी थी,
मैंने नेक्स्ट डे लगवाई थी लेकिन उसी दिन की थी, लेकिन यहाँ बहुत भीड़ हो रही थी तो यहाँ मुझे वेट करना पड़ रहा था। तो कुछ की छोटी है वो इतना नहीं हो सकता कि मैं वेट करूँ बैठ के, पहले था कि मैं आराम से बैठ के लगवा के जाती थी लेकिन अब नहीं होता है। तो फिर मैंने अपने घर के पास ही मार्केट है उस वाली मार्केट से लगवाया था। और मैं पूछी थी भैया कैसे लगा रहे हो मेहंदी, मतलब थोड़े से हाथ के 1000 रुपये लेते हैं और फुल करवाओ तो और ज़्यादा ही रेट होते हैं। मतलब मेहंदी वालों के ना उस दिन बल्ले बल्ले होती मज़े आते हैं, मुँह मांगे ही रेट मांगते हैं क्योंकि नहीं पता है लगवाना तो है सब कुछ है कैसे भी लगवाएं। यहाँ पर मैं करवा चौथ का कैलेंडर ले रही थी और वो अष्टमी का भी पास रखती तो वो मैंने साथ में ले लिया। रोज़ रोज़ कौन मार्केट आए और छोटा बच्चा हो तो वैसे ही नहीं आया जाता मार्केट। तो अब मैं वो अष्टमी के और करवा चौथ का कैलेंडर ले रही थी, कीप ले रही थी और बाकी सिंगार का सामान होता देने के लिए मैं वो सामान देख रही थी यहाँ पे, तो मैंने वही लिया यहाँ से। और गाइस फाइनली मैं आ गई थी ज्वेलर्स के शॉप पे क्योंकि मुझे पैर के बिछे लेने थे, तो क्योंकि पूजा में चाहिए होता है तो वो जिसको देते सुहागन का पूरा सामान होता था उनके लिए भी, तो मैं वही सामान ले रही थी। मुझे कुछ खास नहीं लग रहे थे, मुझे पसंद नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी एक आया था पसंद आने फिर वही करवा लेते। मैंने कहा अंकल यही कर दो ये मुझे थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, सो मैंने वो लिए थे। और फिर नकुल मुझे करवा चौथ का गिफ्ट दिलवाए थे ये इयररिंग्स, मतलब बहुत सारे दिखाए थे लेकिन मुझे पसंद नहीं आए थे तो नकुल ने ये मुझे दिया है करवा चौथ का गिफ्ट। और यहाँ पे अरुण क्लब सॉरी यस मैम यस मैडम से मैंने घर पे बुलाया था क्योंकि पुछ की छोटी है पार्लर में जा नहीं सकती थी और वहाँ पे परेशान भी कर लेती, नकुल को ऑफिस था तो ये घर पर आई थी। और बहुत अच्छी सर्विस है और मतलब खुद ही पूरा उनका ये था कि एक चीज़ भी नहीं लेते, अपना सामान खुद लेके आते हैं और पूरी साफ सफाई के साथ मतलब ध्यान से करते हैं। और यहाँ पे मैं वैक्स करवा रही थी, एक वेडिंग लाइन का भी ड्राई स्किन के लिए। अच्छा वैसे ये अच्छे से रिजल्ट भी। यस मैडम की बहुत काफ़ी अच्छी सर्विस लगी मुझे और पूरा ध्यान रखा जाता है, पूरी सेफ्टी के साथ करते हैं। यहाँ पे मैंने ये वाला फेशियल लिया था, O3 गोल्ड फेशियल कराया था। मैंने ऐसे ही कर दिया था क्योंकि बहुत ड्राई, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो मैंने कंसल्ट किया था तो मुझे यही वाला बताया, तो ये भी बेस्ट बताया थी कि हाँ ये वाला फेशियल जो आपने लिया है वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका भी, तो आप भी ट्राई करना गाइस। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और ग्लो भी आ रहा है फेस पे, तो मैंने पूछ के ही करवाया था, काफ़ी अच्छा है आप भी ट्राई करो। और इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी थी, मैं बहुत कंफर्टेबल थी इनके साथ। मतलब मेरा भी एक्सपीरियंस इनके साथ बहुत अच्छा था और अभी मैं इनसे नंबर शेयर करूंगी, अगर मुझे कभी लगा तो मैं इनको ही बुलाऊंगी घर पे। जा रहे हो? बाय। आप भी सीख लेने एक। बाय गुंडप्पू। फिर मिलेंगे। चलो बाय। ये मैंने O3 का फेशियल करा है, गोल्ड फेशियल। ये
यस, ये O3 का गोल्ड फेशियल करा है मैंने। तो मैंने ये प्राइमर मंगाया था, मैंने एक प्राइमर एंड वाई का ही प्राइमर है, ये कंसीलर है एक एंड वाई का, वही पता नहीं शैम्पू उसके साथ फ्री दिया है, लोरियल का शैम्पू उसके साथ फ्री आया है। ये फिक्सर मंगाया था, एक फिक्सर है और ये है मेबलिन की लिपस्टिक है, उसका नंबर है 657 न्यूड द क्रीम मैट्स, मैं दिखा देती हूँ उसका नंबर। लिपस्टिक चार है मेरी, एक है ये 660 जो टच ऑफ स्पाइस 1200, ये भी काफी अच्छी है, मैंने NY की है, ये भी 6725 नंबर है, इसका कलर भी काफी अच्छा है, का फाउंडेशन लाइनर मंगाया था एक मैंने, नेल पेंट कॉन्टैक्ट, इसमें का कॉन्टैक्ट मंगाया मैं, पैकेजिंग काफी अच्छी करके दी है ताकि वही सामान डैमेज ना हो जाए, कोई टूट ना जाए, बहुत सेफली भेजा हुआ है, सेफ्टी के साथ इतना रैप किया हुआ है कि गिरने के गिर भी गए जाए तो भी। लाइटर है तो बस यही सामान मंगाया था जो मैंने करवा चौथ पे पूजा के लिए करनी है उसके लिए मंगाया था, और बाकी फेशियल वगैरह तो मैंने करा लिया, ब्लीच मेरे पास शूट नहीं होती, सिर्फ वो करवाती हूँ, सिर्फ वहाँ से नहीं करवाया ना मैंने, उसे फेशियल और वैक्स वगैरह कराई है। सो चलो शाम को मैं क्या करवा चाहूँगी फिर दिखाती हूँ, बाय। I'm not your type.